नमस्कार। जंतर मंतर पर पहुंच गए शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी, बिल्कुल चौंकाने वाली खबर है, डिटेल में आपको बताऊंगा। मैं हूं गौरव, आप देख रहे हैं टीवी 9 दिल्ली NCR। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इस धरने में किसानों के बाद अब शाहीन बाग के प्रदर्शन में शामिल चेहरों के पहुंचने पर विवाद शुरू हो गया है। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। पहलवानों के समर्थन में थाप नेता मैदान में उतर चुके हैं। हरियाणा और पंजाब के किसान संगठन भी समर्थन करने के लिए जंतर मंतर लगातार पहुंच रहे हैं। इसी दौरान धरना स्थल से कानून को दाग पर रख देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। उग्र किसानों का एक समूह झंडे लहराते हुए आगे बढ़ा, दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। टीवी 9 भारत वर्ष पर पंजाब से आए एक किसान नेता ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि किस तरह हंगामे की प्लानिंग पहले ही बना ली गई थी। पहलवान विनेश फोगाट से जब इस बारे में सवाल हुए तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। हमारे लोगों ने किसी ने नहीं लगाया जी, वो असामाजिक तत्व जो खराब करना चाहते हैं धरने को, वही लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं और हम उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर की बैरिकेडिंग को वेल्डिंग से जोड़कर सुरक्षा को चाक चौबंद किया। 3 लेयर की सिक्योरिटी वहां पर लगा दी गई है, जिसमें दिल्ली पुलिस भी है, पैरामिलिट्री फोर्सेज भी है और तमाम जवान वहां पर मुस्तैदी में है। पहलवानों के धरने में किसानों के बाद अब शाहीन बाग के चेहरों के जंतर मंतर पहुंचने पर विवाद शुरू हो गया है, जिस पर साक्षी मलिक ने टीवी 9 से कहा कि भारत में रहने वाला कोई भी हमारे समर्थन में आ सकता है। अगर किसी को यहाँ आना है तो हमारे समर्थन में आना, और वो चाहे कोई भी हो, मतलब इस भारत देश में रहने वाला एक एक आदमी हम यहाँ बुला रहे हैं, जिसको आना है वो आ सकता है।